अच्छा, आज के वीडियो में हमें कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे। जो लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं ना, बहुत सारा कमेंट आता रहता है कि सर ये बताइए कि सिविल इंजीनियरिंग ले या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, जब हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं ना, तो सिविल इंजीनियरिंग पिछले कुछ टाइम से, कुछ सालों से, आप कह लो कि नोटबंदी जब से हुआ था ना, सिविल की मार्केट पहले यहाँ पे थी तो यहाँ पे एकदम गिर गई थी, धड़ाम से मार्केट गिरी थी। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था इंजीनियरिंग में, अगर कोई इंजीनियरिंग सेक्टर इम्पैक्ट हुआ था तो वो है सिविल इंजीनियरिंग। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही चीज़ें, फिर कोरोना आ गया, कोरोना के बाद चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हुई। अब देखो, मार्केट इतनी जल्दी तो उठ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, जब तक आप एडमिशन ले रहे हो, अगर मान लो इस साल एडमिशन आप लेने जा रहे हो, तो जब तक पास आउट हो गए 4 साल में, तो ऑब्वियसली 3 साल 4 साल, चाहे पॉलिटेक्निक करने जा रहे हो चाहे बीटेक करने जा रहे हो, सिविल की मार्केट अप होंगी, विल टेक टाइम, ये धीरे धीरे ही होगा। उसके अलावा अगर हम बात कर लें सिविल इंजीनियरिंग का, तो स्कोप अच्छा खासा है सिविल इंजीनियरिंग का। और रिवर्स में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन कोरोना काल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज बंद हो गई। आप देखते हैं टाटा के प्लांट, फिर वो चाहे आनंद महिंद्रा हो, उनकी भी कंपनी महिंद्रा कंपनी जो थी, सब ऑक्सीजन सप्लाई करती थी, अपने प्लांट को स्टॉप कर दिया था। आप देख लो करंट टाइम में जो गाड़ियों की वेटिंग टाइम है, वो बढ़ करके 6 महीने, साल भर, इतना ज़्यादा वेटिंग टाइम हो गया। तो क्यों हो गया? उसका एक रीज़न यही है कि ऑब्वियसली वहाँ पे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जो नेचर का ये कोरोना वाला वायरस फैला हुआ था, और ऑब्वियसली अभी भी मार्केट में फैला हुआ, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दे रहा है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखो दोनों ब्रांच, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, दोनों ब्रांचों का स्कोप धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली स्कोप बढ़ रहा है। तो वो चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह ब्रांच को आपको लेना है। अब देखो, दोनों ब्रांच है, इंटरेस्टिंग ब्रांच है, दोनों सदाबहार ब्रांच है। जिस तरह से नाम है सदाबहार, उसी तरह से सदाबहार है। अब देखो, कोई ब्रांच कभी अप होता है, कोई ब्रांच कभी डाउन होता है, वो डाउनफॉल गिरता और उठता रहता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, और अगर आपके माइंड सेट में है कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग करना है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, तो देख करके मत आओ कि भाई ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं भी मैकेनिकल करूँगा, ये सिविल कर रहा है मैं भी सिविल करने जाऊँगा। आपको जो अच्छा लग रहा है वो कर लो ना। अगर आपका सिविल मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, छोड़ दो दोनों ब्रांच को, तीसरी ब्रांच पकड़ो ना जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि उस ब्रांच में आप बेहतर कर ले जाओगे, उस ब्रांच में आपके लिए स्कोप है, उस ब्रांच में आप बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हो, लेकिन इस अदर ब्रांचों में नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ समझना बड़ा जरूरी। जब तक आप वो चीज़ समझोगे नहीं, जब तक वो चीज़ जानोगे नहीं, उस चीज़ को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत पावरफुल इंजीनियरिंग ब्रांच है, उसी क्रम में सिविल इंजीनियरिंग उससे भी पावरफुल कह लो ब्रांच है, लेकिन दोनों ब्रांचों में लूप होल जरूर है कि अगर आपने सही से नहीं किया तो जॉब लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ट्रस्ट मी, आप ऐसे लोग हैं, जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ देखना, बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि सर मेरी जॉब नहीं लगी, आपने कैसे बोल दिया। तो वो वही रीज़न है, अगर टेक्निकलिटी आपको नहीं पता है। देखो, सब लोग तो गवर्नमेंट जॉब में जा नहीं सकते हो, सबकी गवर्नमेंट जॉब लग नहीं सकती, ये फैक्ट है, और ये मैटर क्लियर मैं बता रहा हूँ, सबकी गवर्नमेंट जॉब लग नहीं सकती। तो जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है, वो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर से तैयारी करना शुरू कर दे, गेट एग्जाम है, उसके अलावा पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो भी आपको अनसॉल्व उठा करके बैठना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करते हो, ये स्ट्रेटजी बनाते हो, उस तरह से चीज़ें अप्लाई करते हो, तो गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो सिविल या मैकेनिकल का। दोनों देखो, दोनों ब्रांचों का स्कोप गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छा खासा है, और प्राइवेट इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा है। आप देख लो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, जितनी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, चाहे वो आप किसी भी चीज़ पे घूम रहे हो, मैकेनिकल से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट्स हो, कोई भी पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंडर में ही हो रहा है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। आप बाइक ले लो, कार ले लो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आती है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत है। अब वहाँ पे आपको एंट्री कैसे करना है, यहाँ पे को डिपेंड करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा मारुति सुजुकी में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, टाटा कंपनी में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा। वो आपको अपने अंदर हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपने टेक्निकल स्किल, इन सारी स्किल पे वर्क करना पड़ेगा। जब आप इन स्किल पे वर्क करोगे, तो ऑब्वियसली आपके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, और ये दोनों ब्रांच आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं। लेकिन देखो, प्रेडिक्शन तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपके माइंडसेट में ये होना चाहिए कि जो ब्रांच मुझे अच्छी लग रही है, अगर दोनों ब्रांच अच्छी नहीं लगती हैं, तो कभी इन दोनों ब्रांच की तरफ मूव ऑन मत करिए। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो पास आउट होने के बाद फिर वही है प्रॉब्लम, आप झेल जाओगे और आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो करियर बर्बाद ना हो, चीज़ें सही से काम करें, इसलिए ये ब्रांच, दोनों
ब्रांचों के बारे में मैंने बताया, तो जिसमें इंटरेस्टेड हो आप जाइए, एडमिशन लीजिए, काउंसलिंग कराइए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, अच्छी रैंक लाइए, फिर अच्छे कॉलेज में भी जाना बहुत जरूरी है। एक बात जान लो, जिस तरह से मैंने बताया, अच्छे कॉलेज में IIT NIT किसी अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट में अच्छे कॉलेज में जाना बहुत जरूरी है। तो बस वीडियो में इतना ही होगा, इस वीडियो आपको समझ में आएगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करेडर चैनल टेलीग्राम पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।